साधु साधु साधु। ये शरीर में पाठवी धातु है। पाठवी धातु का मतलब शरीर का केस, लोम, नाखून, दांत, चमड़ी, मांस, हड्डी इत्यादि मजबूत चीज मिट्टी के साथ मिल के खत्म होने वाली चीज पाठवी धातु। ये पाठवी धातु भी हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है। हेतु बदलने से पाठवी धातु बदल जाता है, इसलिए पाठवी धातु अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये पाठवी धातु मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये शरीर में आपो धातु है। आपो धातु का मतलब शरीर का तुप, ककार, खून, मूत्र इत्यादि पानी साथ मिलने वाली चीज। ये आपो धातु हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए ये आपो धातु अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये आपो धातु मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। इस शरीर में तेजो धातु है। तेजो धातु का मतलब हम लोग जो खाते हैं, पीते हैं, वो सब पचाने का शक्ति, गर्मी, शरीर का गर्मी। ये तेजो धातु हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए ये तेजो धातु अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये तेजो धातु मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। इस शरीर में वायु धातु भी है। वायु धातु का मतलब शरीर का सांस, हवा, हवा के साथ मिलने वाली चीज शरीर में है। ये वायु धातु भी हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए ये वायु धातु अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये वायु धातु मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। ये पाठवी, आपो, तेजो, वायु चार महाधातु से आँख उत्पन्न हुआ है। आँख उत्पन्न होने का कारण बदलने से ये आँख बदल जाता है, इसलिए ये आँख भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये आँख मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। आँख से रूप
दिखता है। आँख से दिखने वाले सारे रूप हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है, तुरंत बदल जाता है। इसीलिए जितने आँख से दिखने वाले रूप अनित्य हैं। आँख से दिखने वाले सारे रूप मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। आँख में मन उत्पन्न होता है, विज्ञान। ये आँख में उत्पन्न होने वाले विज्ञान भी हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए आँख का विज्ञान अनित्य है। आँख का विज्ञान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। आँख रूप विज्ञान के साथ मिलता है, स्पर्श होता है। ये आँख रूप विज्ञान के साथ मिलना भी हेतु के कारण से ही होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए ये भी अनित्य है। आँख रूप तथा विज्ञान का मिलन मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। आँख तथा रूप तथा विज्ञान ये तीनों मिलने के बाद सुख या दुख या उपेक्षा वेदना उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने वाली वेदना भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, वो हेतु है स्पर्श। आँख रूप विज्ञान का स्पर्श जल्दी ही बदल जाता है। इसलिए ये वेदना भी तुरंत बदल जाता है। ये वेदना अनित्य है। आँख रूप विज्ञान के साथ मिलने के बाद उत्पन्न होने वाले सुख दुख उपेक्षा वेदना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। आँख से रूप को पहचानता है। ये आप आँख से रूप को पहचानना भी स्पर्श ही होता है, मगर स्पर्श बदलने के कारण पहचान भी बदल जाता है। इसलिए रूप को पहचान अनित्य है। आँख से रूप को पहचानना भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। जो पहचान गया हुआ रूप के अनुसार चेतना उत्पन्न होता है। पहचान गया रूप पर उत्पन्न होने वाली चेतना भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए वो चेतना विचार अनित्य है अनित्य है
अनित्य है। जो पहचान हुआ रूप के अनुसार उसी रूप को चेतना उत्पन्न होना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। आँख से दिखने वाले रूप पर इच्छा उत्पन्न होता है, तन तृष्णा। ये आँख से दिखने वाले रूप पर उत्पन्न होने वाली इच्छा भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। रूप पर इच्छा मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये कान पृथ्वी आपो तेजो वायु से उत्पन्न हुआ है, वो हेतु बदलने के कारण ये कान बदल जाता है, इसीलिए ये कान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये कान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। कान में सुनाई देता है शब्द, आवाज। ये शब्द भी हेतु के कारण ही उत्पन्न हुआ है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए ये शब्द अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। कान में सुनाई देने वाले शब्द मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। कान में विज्ञान उत्पन्न होता है, ये भी हेतु के कारण, मगर तुरंत बदल जाता है कान में उत्पन्न होने वाले विज्ञान भी, इसलिए वो विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कान में विज्ञान का उत्पन्न होना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। कान, शब्द तथा विज्ञान, ये तीनों का मिलन, स्पर्श हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए ये खान शब्द विज्ञान का मिलन अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कान आवाज विज्ञान का मिलन मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये कान शब्द तथा विज्ञान के साथ मिलने के बाद सुख दुख उपेक्षा वेदना उत्पन्न होता है, ये वेदना भी हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए कान का वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कान शब्द तथा विज्ञान तीनों का मिलन से उत्पन्न होने वाली सुख दुख उपेक्षा वेदना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं।
कान से शब्द को पहचानता है, कान से आवाज को पहचानना भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसीलिए पहचान भी शब्द का पहचान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कान से शब्द का पहचान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। जो पहचाना हुआ शब्द पर चेतना उत्पन्न होता है, पहचानने वाले शब्द पर उत्पन्न होने वाले चेतना विचार भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए शब्द का विचार चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। शब्द का चेतना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। शब्द पर इच्छा उत्पन्न होता है, तृष्णा। ये शब्द आवाज पर उत्पन्न होने वाली इच्छा भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए शब्द पर उत्पन्न होने वाली इच्छा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। शब्द पर उत्पन्न होने वाली इच्छा मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये नाक चार महाधातु से उत्पन्न हुआ है, वो हेतु बदलने से ये नाक भी बदल जाता है। इसलिए ये नाक अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये नाक मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये नाक से सूंघता है सुगंध, गंध। नाक से सूंघने वाले गंध तुरंत बदल जाता है। इसलिए सुगंध गंध भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। नाक से सूंघने वाले सुगंध तथा गंध मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नाक में मन उत्पन्न होता है, नाक का विज्ञान। ये विज्ञान भी हेतु के कारण ही उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए नाक का विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। नाक का विज्ञान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नाक, गंध तथा विज्ञान, ये तीनों का मिलन हेतु के कारण ही उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए ये नाक, गंध, विज्ञान तीनों का मिलन
अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, ये तीनों का मिलन, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नाक, गंध तथा विज्ञान, ये तीनों का मिलन के बाद, ये तीन मिलने के बाद सुख दुख या उपेक्षा वेदना उत्पन्न होता है। ये वेदना भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए नाक का वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नाक का वेदना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नाक से गंध को पहचानता है, ये नाक से गंध को पहचानना भी हेतु के कारण होता है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए ये नाक से गंध को पहचानना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नाक से गंध को पहचानना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नाक से जो पहचाना हुआ गंध पर चेतना उत्पन्न होता है, पहचानने वाले गंध पर उत्पन्न होने वाले चेतना भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए गंध पर उत्पन्न होने वाली चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। नाक से पहचाना हुआ गंध पर उत्पन्न होने वाली चेतना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। गंध पर इच्छा उत्पन्न होता है, तृष्णा, ये इच्छा भी हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए ये गंध पर उत्पन्न होने वाली इच्छा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। गंध पर उत्पन्न होने वाली इच्छा मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये जीव पृथ्वी आपो तेजो वायु चार महाधातु के कारण उत्पन्न हुआ है। धातु बदलने से ये जीव बदल जाता है, इसलिए ये जीव अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बदलने वाले ये जीव मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। जीव में रस उत्पन्न होता है, जीव में उत्पन्न होने वाले रस भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, मगर तुरंत बदल जाता है, इसलिए ये जीव में उत्पन्न होने वाले स्वाद का रस अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जीव में उत्पन्न होने वाले रस मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। जीव में मन उत्पन्न होता है, विज्ञान, जीव का
विज्ञान भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए ये जीव का विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जीव का विज्ञान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। जीव रस विज्ञान के साथ मिलना, स्पर्श हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए ये जीव रस विज्ञान के साथ मिलना भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जीव रस विज्ञान के साथ मिलना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। जीव रस विज्ञान के साथ मिलने के बाद सुख दुख या उपेक्षा वेदना उत्पन्न होता है। स्पर्श के कारण उत्पन्न होने वाली ये वेदना हेतु बदलने से जल्दी बदल जाता है, इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जीव रस विज्ञान के साथ मिलने के बाद उत्पन्न होने वाले सुख दुख उपेक्षा वेदना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। जीव रस विज्ञान के साथ मिलने के बाद रस को पहचानता है। ये रस को पहचानना भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। रस का पहचान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये जीव रस विज्ञान के साथ मिलने के बाद उत्पन्न होने वाले रस का पहचान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। पहचान पहचाना हुआ रस के अनुसार चेतना उत्पन्न होता है। जो पहचाना हुआ रस के अनुसार उत्पन्न होने वाले चेतना विचार भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए रस का पहचान भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये रस का पहचान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। जीव में उत्पन्न होने वाले स्वाद रस पर तृष्णा उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने वाली इच्छा भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए रस पर उत्पन्न होने वाली इच्छा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये रस पर उत्पन्न होने वाली इच्छा मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये शरीर पाठवी आपो तेजो वायु चार महाधातु के कारण उत्पन्न हुआ है, मगर
चार महाधातु भी अनित्य है। ऐसे हेतु हेतु के कारण उत्पन्न जो हुआ ये शरीर, हेतु बदलने से शरीर बदलता है, ऐसे हेतु ये शरीर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। हेतु के कारण उत्पन्न होने वाली ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। शरीर में उत्पन्न होता है स्पर्श महसूस, ये स्पर्श हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। शरीर में महसूस होने वाले स्पर्श मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। शरीर में मन उत्पन्न होता है विज्ञान, शरीर में उत्पन्न होने वाले विज्ञान भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए ये शरीर का विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। शरीर में उत्पन्न होने वाले महसूस का विज्ञान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। शरीर स्पर्श तथा विज्ञान के साथ मिलना, स्पर्श होना हेतु के कारण होता है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए शरीर स्पर्श विज्ञान के साथ मिलना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। शरीर स्पर्श महसूस का स्पर्श विज्ञान के साथ मिलना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। शरीर महसूस का स्पर्श विज्ञान के साथ मिलने के बाद उत्पन्न होता है सुख दुख या उपेक्षा वेदना, ये वेदना भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। शरीर स्पर्श विज्ञान के साथ मिलने के बाद उत्पन्न होने वाले सुख दुख उपेक्षा की वेदना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। शरीर में मिलने वाले महसूस का स्पर्श को पहचानना, ये पहचान भी महसूस का स्पर्श को पहचानना भी हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है, तुरंत बदल जाता है, इसलिए दर्द का महसूस शरीर में उत्पन्न होने वाले दर्द का महसूस भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये दर्द का महसूस को पहचानना अनित्य है, वो पहचानना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। पहचाना हुआ स्पर्श के अनुसार चेतना उत्पन्न होता है, ये शरीर में उत्पन्न होने वाली चेतना भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है,
इसीलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। पहचाना हुआ दर्द महसूस के बारे में उत्पन्न होने वाली चेतना, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। शरीर में मिलने वाले दर्द महसूस के बारे में, स्पर्श के बारे में इच्छा उत्पन्न होता है, तृष्णा। ये इच्छा भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, मगर तुरंत बदल जाता है। इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। शरीर में मिलने वाले स्पर्श के ऊपर मन आसक्त होना, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये मन हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए ये मन अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये मन मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मन में उत्पन्न होने वाले विचार हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। मन में उत्पन्न होने वाले सोच विचार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मन में उत्पन्न होने वाले सारे सोच विचार मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मन में विज्ञान उत्पन्न होता है, मन में उत्पन्न होने वाले विज्ञान भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मन में उत्पन्न होने वाले विज्ञान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मन सोच विचार विज्ञान के साथ मिलना, ये तीनों का मिलन स्पर्श हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मन तथा सोच विचार विज्ञान के साथ मिलना, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मन तथा सोच विचार विज्ञान के साथ मिलने के बाद सुख वेदना, दुख वेदना या उपेक्षा वेदना उत्पन्न होता है। ये वेदना भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मन तथा सोच विचार विज्ञान के साथ मिलने के बाद उत्पन्न होने वाले सुख दुख उपेक्षा वेदना, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मन में उत्पन्न होने वाले सोच विचार को पहचानना, हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए सोच विचार की पहचान भी अनित्य है,
अनित्य है, अनित्य है। मन में उत्पन्न होने वाले सोच विचार की पहचान, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मन में उत्पन्न होने वाले सोच विचार के अनुसार उत्पन्न होने वाले चेतना हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए मन की चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मन में उत्पन्न होने वाले सोच विचार के अनुसार चेतना उत्पन्न होना, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मन में उत्पन्न होने वाले, मन में आने वाले सोच विचार पर इच्छा उत्पन्न होता है, तृष्णा। ये इच्छा भी हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मन में उत्पन्न होने वाली सोच विचार पर इच्छा उत्पन्न होना, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। जो कुछ हेतु के कारण ही उत्पन्न होता है वो संस्कार है। इसलिए सारे संस्कार तुरंत बदल जाता है। इसलिए सारे संस्कार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सारे संस्कार मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। चार महा धातु के कारण जो कोई रूप होता है उत्पन्न, वो सारे रूप हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वो सारे रूप मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। स्पर्श के कारण उत्पन्न होने वाले सुख दुख उपेक्षा इत्यादि जो कोई वेदना है, वो सारी वेदना हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वो सारे सुख दुख उपेक्षा वेदना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। स्पर्श के कारण जो कोई पहचानता है, जो कुछ पहचानता है, रूप शब्द गंध रस स्पर्श चेतना, वो सब कुछ पहचान हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए वो पहचान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वो सारी पहचान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। स्पर्श के कारण उत्पन्न होने वाली चेतना है, वो सारी चेतना हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए ये चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वो स्पर्श के कारण उत्पन्न होने वाले सभी चेतना मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नाम रूप के कारण उत्पन्न होने वाले विज्ञान हैं,
वो सारे विज्ञान हेतु के कारण ही उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए नाम रूप के कारण उत्पन्न होने वाले विज्ञान अनित्य हैं। ये विज्ञान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये सभी पंच उपादान स्कंद हेतु के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए अनित्य है। ये सारे पंच उपादान स्कंद मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ तुरंत बदल सकता है, सब कुछ तुरंत बदल सकता है, सब कुछ तुरंत बदल सकता है, सब कुछ मैं नहीं, सब कुछ मेरा नहीं, सब कुछ मेरा आत्मा नहीं।